अगर रहना है आपको स्वस्थ बिल्कुल, तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिसिन गुरुकुल। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम सिलोडॉफिन 8 mg टैबलेट के बारे में बात करेंगे। जानेंगे इस टैबलेट को किन किन प्रॉब्लमों में दिया जाता है, यह टैबलेट मार्केट में किन किन नामों से मिल जाएगी, यह टैबलेट हमारे शरीर में किस तरह वर्क करती है और साथ ही साथ इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, तो पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको यूरिन करते टाइम जलन होती है या फिर आपको यूरिन रुक रुक कर आती है, यूरिन बार बार लगती है, यूरिन करते टाइम यूरिन का फ्लो डाउन होता है, यानी यूरिन से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लमों में डॉक्टर द्वारा यह टैबलेट रिकमेंड की जाती है। यह टैबलेट मार्केट में आपको मैक्सवाइट 8 नाम से, फिलोडॉल 8 नाम से, फिलोटाइम 8 नाम से, प्रोस्टागार्ड 8 नाम से, जेरीपॉड 8 नाम से और भी कई नामों से मिल जाएगी। इन टैबलेटों में सिलोडॉफिन पड़ा होता है। यह टैबलेट रात में खाना खाने के बाद एक टैबलेट डॉक्टर द्वारा रिकमेंड की जाती है। चलिए बात करते हैं यह टैबलेट हमारे शरीर में किस तरह वर्क करती है। हमारी बॉडी में यूरिन प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए निकलता है। जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में यूरिन से जुड़ी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। यह टैबलेट एक अल्फा ब्लॉकर टैबलेट है। यह टैबलेट प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास की मांसपेशियों को जाकर रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज डाउन हो जाता है और यूरिन ईजिली से पास हो जाती है। यह प्रॉब्लम ज़्यादातर 50 साल से बड़े लोगों में ही देखी जाती हैं। चलिए बात करते हैं इस टैबलेट की क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। इस टैबलेट को खाने के बाद सेक्स करने की इच्छा में कमी आ सकती है, स्तन का साइज बढ़ सकता है या चक्कर आ सकता है या स्तन में कोमलता आ सकती है, तो यह साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम इस टैबलेट को खाने के बाद आपको होती है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें। उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो से आपको सिलोडॉफिन 8 mg टैबलेट के बारे में जानकारी मिली होगी जो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे आपको कोई भी प्रॉब्लम की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।